हेलो फ्रेंड्स, आज नेटफ्लिक्स में मैंने एक नया सीरीज देखा जिसका नाम था द फ्रॉग। ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है और ये सीरीज कैसा लगा मुझे ये मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपको देखनी चाहिए या नहीं ये मैं आज बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। द फ्रॉग वेब सीरीज में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि लगभग 50 से 60 मिनट का आपका होगा। सीरीज का कहानी कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कि एक मोटेल रहता है और वो मोटेल का मालिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाता है जब एक मिस्टीरियस लड़की उस मोटेल में आकर एक रूम रेंट में ले लेती है, फिर जाने का नाम ही नहीं लेती। उसके बाद वो जो मोटेल का मालिक है वो फंस जाता है एक प्रॉब्लम में क्योंकि मोटेल में हो जाता है एक मर्डर। तो इस ये चीज आपको फर्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, और ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है, ये आपको फर्स्ट एपिसोड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई सस्पेंस या थ्रिलर कुछ नहीं है, मेन सस्पेंस थ्रिल जो है वो आपको वो सीरीज देखते 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 अंत में पता चल जाएगा कि क्या है। ये सीरीज मुझे कैसा लगा, द फ्रॉग सीरीज मुझे अबव एवरेज लगा। मैं बोलूंगा एवरेज भी नहीं, अबव एवरेज लगा। मैं कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का बात करूंगा इस वेब सीरीज का जो कि बहुत वाइटल है, तो जरूर से अंत तक सुनिए, आप अच्छे से डिसाइड कर पाइएगा कि इस वेब सीरीज को आपको टाइम देना चाहिए या फिर नहीं। ये सीरीज आप अगर देखते जाइएगा तो आपको एक मिस्ट्री पता चलेगा कि जो लड़की आई है अचानक से मोटेल में वो कौन है, क्यों आई है, आपको बाद में ठीक पता चल जाएगा। तो मैं आपको फर्स्ट पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉजिटिव है जो कि उसका सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरीके से कलर्स दिखाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें। मतलब आपको स्टोरी लाइन जिस तरीके से जा रहा है आपको स्टोरी समझ में आएगा धीरे धीरे कि कैसे क्या हो रहा है, आपको मतलब इंटरेस्टिंग जगाने में वो हेल्प करेगा। और जो सेकंड पॉजिटिव इसका है वो है इसका स्टोरी, जो सस्पेंस बिल्डअप किया गया है ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये दो पॉजिटिव के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नेगेटिव क्या क्या है। सबसे पहले नेगेटिव कवर मैं बोलूं तो इस वेब सीरीज को बहुत ज्यादा लेंदी किया गया है। मतलब ये वेब सीरीज अगर चाहा जाता तो मतलब 5th और 6th एपिसोड तक खत्म किया जा सकता था, लेकिन ये वेब सीरीज को खींच के ले जाके 8 नंबर तक एपिसोड ले गया है, तो आपको लगेगा कि थोड़ा मतलब कहानी बहुत खींचा जा रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक बोरिंग एलिमेंट आपको दिखेगा, तो आप थोड़ा सा मतलब बोर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगा, अगर आप ऐसा व्यूअर जिसको फटाफट सस्पेंस चाहिए, फटाफट स्टोरी में क्या हो रहा है कि इंटरेस्टिंग जगाने के लिए अगर आपको देखना है, तो ये वेब सीरीज आपको ज्यादा अच्छा ना भी लगे, इस वेब सीरीज को आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, आराम से समझते समझते देखते जाना पड़ेगा, और जब लास्ट तक आप जाइएगा तब आपको पता चल जाएगा कि वेब सीरीज कितना अच्छा वेब सीरीज है। इसीलिए मैं इस वेब सीरीज को अबव एवरेज बोला था। लेकिन इसका एक वीकनेस क्या है कि ये बहुत खींचा गया, आपको ऐसा फील होगा क्योंकि थोड़ा मोरा मतलब बोरिंग एलिमेंट आपको दिखेगा जो कि 2 एपिसोड एक्स्ट्रा करने की वजह से आ गया है इसमें। इस वेब सीरीज में आपको एक और वीकनेस जो मिलेगा, कुछ कुछ सीन्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा ना जो कि स्टोरी से कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा, आपको ऐसा फील होगा। मतलब वो सब चीज ही जब दिखाया जाएगा ना आप थोड़ा सा मतलब इस वेब सीरीज से बोर हो सकते हैं, आपको अच्छा ना लगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वेब सीरीज में आप बने रहिए क्योंकि जब आपको कुछ सस्पेंस वाला चीज सबको देखने को मिलेगा ना उस वक्त आपको वो वर्थ इट होगा कि आपने ये सीरीज क्यों देखा। तो मैं सजेस्ट करूंगा द फ्रॉग वेब सीरीज आप जरूर से देखिए, वन टाइम के लिए एक बार जरूर से देखिए, 8 एपिसोड से आराम से थोड़ा पेशेंस लेके देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा किसिंग सीन्स आपको एक दो दिखेगा, ज्यादा कुछ अडल्ट सीन्स है नहीं, तो आप ये अपना फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इस वेब सीरीज को आप देखना चाहिए, मैं इसको बोलूंगा अबव एवरेज, 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा और सजेस्ट करूंगा आप जरूर देखिए, एक बार देखिए आपको ये अच्छा लगेगा। और जो कोरियन ड्रामा सीरीज का वेब फैंस है वो तो ये वेब सीरीज जरूर देखेगा, तो ये वेब सीरीज देखिए आप एंजॉय करिए। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।